अगर आप AKTU यूनिवर्सिटी से बी फार्मेसी करना चाहते हैं या फिर कोई भी टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी यूजी या पीजी कोर्स करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। और ये AKTU में और खुद में एजुकेशन रेगुलेशन जो हमारे यहाँ का है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारे यहाँ का है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज है। तो ये चेंज क्या है और क्या नोटिफिकेशन है AKTU की तरफ से, वो मैं आज आपके वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू SB फार्मेसी। सो मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल कंडीशन के कारण या फिर किसी भी ऐसी प्रॉब्लम के कारण कि उनके पास अगर वो जॉब करते हैं तो ही मतलब खुद ही कमाना है और खुद ही पढ़ना है, इस तरीके के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में और हमारे देश में। तो उन लोगों के लिए क्या पढ़ना आसान है, अभी का जो सिस्टम है क्या उसमें उनके लिए पढ़ना आसान है? आप भाई अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब नहीं करनी है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, और अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो आप अपना घर कैसे चलाएंगे? तो सारी चीजों का सलूशन AKTU यूनिवर्सिटी आपके लिए लेके आ रही है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ साथ भी आप कोई कोर्स कर सकते हैं, कैसे, जो इनके इंस्ट्रक्शंस हैं उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी। इंस्ट्रक्शंस क्या है कि जब आपने एडमिशन लिया किसी भी कोर्स में, आपको एक डेढ़ साल उसमें हो गया कि आपने एक डेढ़ साल उसमें पढ़ाई कर ली, उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अगर एक सर्वे निकाला जाए तो कम से कम 30-40% स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मीन्स जिन्होंने जैसे बी फार्म कोर्स में एडमिशन लिया और उन्होंने लास्ट में छोड़ दिया, तो उनमें से 30-40% जो टोटल छोड़ते हैं, रिमूव होते हैं कोर्स से, उनमें से 30-40% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से छोड़ के जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं तो उनका करियर तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। इसीलिए ये सोल्यूशन निकला है कि अगर आप एक से डेढ़ साल किसी कोर्स में रह लेते हैं, उसके बाद अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा बना के दे दिया जाएगा कि आप जाइए, अगर आप जॉब करना चाहते हैं जॉब कीजिए, जब आप फाइनेंशियली फिट हो जाएंगे, आपके पास इनकम हो जाएगी, इतना पैसा हो जाएगा कि आप वो कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप आ सकते हैं कभी भी और कोर्स दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए एक क्राइटेरिया होगा कि इतने टाइम में आपको आना है, 6 मंथ या 1 ईयर, अभी कोई ऐसा इनका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है मींस क्राइटेरिया को लेके, बट मैं आपको दिखा देती हूं ट्विटर पे AKTU की तरफ से ट्वीट हुआ है और एक कल का नोटिफिकेशन है, मैं आपके साथ ये आज शेयर कर रही हूं। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन लोगों को बेनिफिट हो सके जिनको इनकी जरूरत है, जो कि ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी सारी चीजें मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ। देखिए, ट्वीट किया है AKTU की तरफ से, ट्वीट हुआ है ट्विटर पे, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ इस पे तो यहाँ पे कंप्लीट ये नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ नोटिफिकेशन है जिसमें क्या हुआ है, इसमें कहना है AKTU यूनिवर्सिटी का कि ये कुछ ऐसे कोर्सेज भी अपने अंदर एड ऑन कर रही है, कुछ डिजिटल कोर्सेज, उसमें PG भी है और UG भी है, जो कि हमारे देश का आने वाला भविष्य होने वाला, आपको खुद पता है ऑफलाइन चीजों से सारी चीजें ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रही है, तो कुछ डिजिटल कोर्स भी AKTU यूनिवर्सिटी की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं, तो आप उनका भी लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो नोटिफिकेशन जो हमारे काम का है वो मैं आपको बता देती हूं। देखिए, पढ़ाई के साथ नौकरी का भी अवसर, उन्होंने बताया कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का भी विकल्प छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। जैसे कि मैंने UGC की जो गाइडलाइन आपको बताई थी अभी कुछ ही दिन पहले, वो गाइडलाइन आई थी जिसमें कि UGC का कहना है कि स्टूडेंट एक साथ दो कोर्स कर सकता है, तो हमारे जो देश है, जो यहां का एजुकेशन सिस्टम है, उसकी पूरी कोशिश है कि आप बहुत अच्छा अपना फ्यूचर बना सके। ठीक है, इसीलिए दो कोर्सेज भी आपको एक साथ करने की, रोजगार सबको मिले, बेरोजगारी ना हो, इस वजह से ये सारी चीजें चेंजेस हो रहे हैं। तो UGC के गाइडलाइन के थ्रू कि आप मल्टीपल कोर्स में ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ दोनों आप कंटिन्यू कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे उसका भी विकल्प होगा छात्रों के पास AKTU यूनिवर्सिटी में, और साथ ही साथ कोर्स पूरा करने पर उनको एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा। देखिए यहाँ है, जिसमें आधा कोर्स पूरा करने पर उसको एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा, जिससे वह पढ़ाई के बीच को बीच में छोड़कर नौकरी कर सकते हैं और दोबारा आकर कभी भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अभी इन्होंने एक फिक्स टाइम नहीं दिया कि इतने टाइम में आपको वापस ही आना है ना, तो इसका भी जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। लेकिन ये है कंफर्म कि इस बार 12th के मेनली, ये बोल रहे हैं 10th और 12th के जो स्टूडेंट है उनके लिए है, जो अभी एडमिशन लेंगे तो जल्दी ही ये जारी हो जाएगा ऑफिशियली, पूरी तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसमें आप परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, जो कि AKTU की तरफ से डाला गया है। ठीक है, तो ये वीडियो देख इलेक्ट्रॉनिक्स नैनो टेक्नोलॉजी
एनर्जी साइंसेस में हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं। जब हम यूजी प्रोग्राम्स की बात करें तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम हैं। इसी वर्ष विश्वविद्यालय अपने दो संकाय मैनेजमेंट और फार्मेसी शुरू करने जा रहा है। फार्मेसी में भी जो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है उस तरफ से उस कोर्स को ओरिएंट करके प्रारंभ किया जाएगा। तो फार्मेसी की रिक्वायरमेंट होगी, बायो इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होगी, बायोटेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें हमारे पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ विशेषता ये है कि हम अपने करिकुलम में इस तरह का चेंज करने जा रहे हैं जिसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शन हो। मतलब कि आप एक वर्ष दो वर्ष के बाद जब अपना पढ़ाई पूरी कर लें, एक निर्धारित क्रेडिट कर लें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के तरीके का सर्टिफिकेट मिल जाए, जिससे कि यदि आप जॉब करना चाहें तो उस समय जॉब कर लें और वापस प्रोग्राम अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहें तो कभी भी जब आपको सहूलियत हो आर्थिक दृष्टि से। तो आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप बी फार्मेसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट अभी एडमिशन नहीं लिया है या फिर फाइनेंशियल कंडीशन के कारण नहीं ले पा रहा है तो वो ले सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज वीडियो को इतना शेयर कर दो कि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके और सब लोग इसका फायदा उठा सके। प्लीज सबके पास शेयर करो, प्लीज 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 सबके पास शेयर करो। और लास्ट में मैं यही बोलूंगी, हमारे चैनल को विजिट करने के लिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।